डेली एक नई वेज रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल श्वेता किचन को यहाँ लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए ये बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता किचन। आज मैं आपको एक नए तरह के पकौड़े बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे हम डोसे की खोल से बनाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। चलिए, इसे बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसको बनाने के लिए मैंने 1 पाव डोसे का बैटर लिया है, जिसे मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ इसे कैसे बनाना है। 1 टेबल स्पून इडली रवा, 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा फ्रेश धनिया जिसे भी मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, तलने के लिए ऑयल, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 4-5 करी पत्ता बारीक कटा हुआ, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची और 1 टीस्पून नमक, जिसे आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी जरूरत पड़ेगा इसको पतला करने के लिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं एक बाउल में ये सारे इंग्रेडिएंट डाल लेती हूँ। देखिए, सारे मैं इंग्रेडिएंट इस बाउल में डाल रही हूँ। इसे मिक्स करके एक साथ मिला लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। थोड़ा सा और पानी मिला लेते हैं। ये देखिए, ऐसा रहना चाहिए गुल। चलिए, सब तलना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तेल गर्म हो चुका है और मैं इसको एक एक करके इसमें डालूंगी। देखिए, थोड़ा ही सिक गए हैं, इसको पलट देते हैं। और इसको भी थोड़ा फ्लेम तेज ही रखना है गैस का, नहीं तो उसमें तेल भर जाएगा अगर आप धीमा करेंगे तो। देखिए, सिक्के तैयार हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ। निकालने के लिए मैं एक पेपर नैपकिन यूज कर रही हूँ, ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है वो निकल जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से दिखेंगे ये। देखिए, ये हमारे पकौड़े तैयार है। आप बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे ये। तो फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हैं पकौड़े और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स भी लिखिए, अपने सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको इस तरह की नई नई रेसिपी मिलती रहे
और अपने दोस्तों के संग शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।